बरेली थाना नवाबगंज क्षेत्र में प्रेम विवाह करने के बाद प्रेमी जोड़ा नगर में ही किराए पर रहकर पड़ोस में अपना आवास बनवा रहा था। विवाहिता का शव आज संदिग्ध अवस्था में फर्श पर पाया गया है। सूचना पर पहुंच विवाहिता के परिजनों ने उसके पति पर जहरीला पदार्थ देकर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के विरोध के चलते प्रेमी जोड़ा यहां नगर में रामलीला मैदान के पास किराए पर रहकर पास में ही प्लॉट लेकर अपना मकान बनवा रहा था। दोपहर 2 बजे लगभग मकान मालिक ने कीमती को मृतावस्था में पड़ा देख मायके में फोन किया, जानकारी दी, जिस पर कीमती के माँ बाप यहाँ पहुँच गए, जबकि उसका पति दीपू गायब हो गया। सूचना पर पहुंचे कोतवाल व तहसीलदार गौतम सिंह ने घटना का निरीक्षण कर जानकारी ली। पुलिस के अनुसार मृतका ने कोई जहरीला पदार्थ ही लिया है, बाकी पुष्टि तो पोस्टमार्टम के बाद हो सकेगी। पुलिस ने सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमें सर पता ही नहीं, लड़की जो कोर्ट मैरिज करी थी ये लड़की यहाँ चली आई सर 5-6 महीने से। कीमती इसी लड़के से, दीपू से। जे भी हमारे गुसाई गोटिया में वहीं पे घर था, इसने मकान बेच लिया, रामलीला ग्राउंड में प्लाट लिया इसने। हाँ कब की बात है, काय की ये कब से शादी कब करी उन्होंने? शादी 5 महीने हो गए सर। ये तो किराए पे है सर। हाँ जो किराए पे रहते थे। आपको सूचना कैसे मिली? हमें मकान मालिक ने फोन करा था सर। थाना नवाबगंज के अंतर्गत एक विवाहिता जिसकी शादी लगभग 6 माह पूर्व हुई थी, उसकी मृत्यु सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेज में हुई है और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जैसे जहर खाने से उनके द्वारा ये आत्महत्या की गई है। पुलिस के द्वारा जो मृतका है उसका पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम के लिए जो शव है उसको भेजा जा रहा है और इसमें जो है जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।